हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हेयर टू स्टडी आर अनदर टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो स्टूडेंट, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स, मीन्स एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें जो वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट उस वर्ब को करता है, तो वो वर्ब क्या कहलाती है? एक्टिव वॉइस। लाइक आई मेड अ मिस्टेक, शी इज रिसाइटिंग अ पोयम। मेड, हु इज मेड, हु हैज मेड, आई मेड अ मिस्टेक, सब्जेक्ट जो है वो ही इसको कर रहा है। शी इज रिसाइटिंग अ पोयम, ये जो पोयम रिसाइट की जा रही है, हु इज रिसाइटिंग, शी। सो सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ओके, एंड पैसिव वॉइस क्या होती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट। लाइक आई मेड अ मिस्टेक, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, अ मिस्टेक इज ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट बन जाता है, द वर्ब इज सेड टू बी पैसिव वॉइस। ओके, देखिए आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। द सब्जेक्ट डोमिनेट्स इन एक्टिव वॉइस बट ऑब्जेक्ट डोमिनेट्स इन पैसिव वॉइस। इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट डोमिनेट कर रहा है, मतलब सेंटेंस ज़्यादा किससे इम्पॉर्टेंट दे रहा है? सब्जेक्ट से। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस देता है पूरे सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही पूरा सेंटेंस बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं इसके लिए। देयर विल बी ऑलवेज एन हेल्पिंग वर्ब। देखिए, आई मेड अ मिस्टेक, इज देयर एनी हेल्पिंग वर्ब बिटवीन दिस आई एंड मेड? नो। बट इन पैसिव वॉइस मेक श्योर देयर विल बी अ हेल्पिंग वर्ब इन ईच एंड एवरी लाइन। बाय मिस्टेक मैंने एन लिख दिया है, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर विल बी ऑलवेज वी थ्री इन ईच टेंस। Irrespective of any tense, you just have to remember one thing, that there will be V3 in each sentence. Okay, चाहे कोई सा भी टेंस हो, हमें उसमें V3 ही यूज़ करना है, पैसिव वॉइस है तो। ठीक है, अब देखिए आपको ये लिस्ट दे रखी है प्रोनाउंस की, प्रोनाउंस की, जिसमें आपको बता रखा है कि जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज होता है। अगर आई सब्जेक्ट दे रखा है तो ये ऑब्जेक्ट बन के क्या हो जाएगा? मी। वी सब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट बन के हो जाएगा अस। यू दे रखा है, वो यू रहता है। शी हर में चेंज हो जाता है, ही हिम में, दे देम में, इट में रहता है, हु बाय हुम में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चेंज ऑफ वॉइस प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम टेंस के अकॉर्डिंगली इनको चेंज करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दे रखे हैं हमें, हम प्रेजेंट टेंस करेंगे। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। अब देखिए, एक्टिव सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट हमारा वर्ब हो गया, वी वन अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पहले दे रखा है, दैट्स मीन एक्टिव है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बात कर रहा है पहले। ठीक है, अब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। ठीक है, सो इसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर आ गया। नाउ आई टोल्ड यू कि हर एक सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और वो हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है कि किस टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। अब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो यहाँ पे अ लेटर सिंगुलर है, तो हमने इज लगा दिया। ठीक है, राइट दे रखा था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर V3 वी हैव टू यूज एवरीवेयर, सो मैंने राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लगा दिया। ठीक है, और सब्जेक्ट से पहले बाय लगा के आई चेंज इन टू मी, तो क्या बन जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, अब देखिए, आई डू नॉट राइट अ लेटर एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव क्या होगा? अ लेटर, डू की जगह इज आ जाएगा, ध्यान रखिएगा डू इज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज लगाया, डू है तो मीन्स ये सब्जेक्ट के साथ होएगा, लेटर ऑब्जेक्ट के साथ डू नहीं लगता। राइट, तो डू की जगह इज लगा दिया, अ लेटर इज नॉट, V3 आ जाएगा, रिटन बाय मी। ठीक है, डू आई राइट अ लेटर एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करेंगे, डू की जगह इज आ जाएगा, अ लेटर आगे आ जाएगा, रिटन बाय मी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है तो हमें यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बन जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय मी।
नेक्स्ट देखिए, डू आई नॉट राइट अ लेटर, इज अ लेटर, इज आ गया डू की जगह, अ लेटर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, आ गया नॉट रिटन बाय मी, ठीक है, दैट वॉज सिंपल प्रेजेंट. नाउ कंटिन्यूस में देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, एक्टिव टेंस है, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर. अ लेटर देखिए आई के साथ तो एम लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर अ लेटर के साथ एम नहीं लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, सिंगुलर है, इज लगा दिया. ध्यान रखेंगे आई एन जी कॉन्टिन्यूस टेंस में, अगर हम आई एन जी लगाते थे वो शो करता था कॉन्टिन्यूटी. पैसिव सेंटेंस में हम आई एन जी की जगह क्या लगाते थे, बींग, बी ई आई एन जी, बींग, ठीक है, क्योंकि हमें वी थ्री लगाना है. अगर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या रह जाएगा हमारे पास, तो हमें आई एन जी बी के साथ लगा के बींग कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसे. तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बींग रिटर्न बाय मी, ठीक है. आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज नॉट बींग रिटर्न बाय मी. एम आई राइटिंग अ लेटर, इज आ जाएगा आई के साथ एम था, लेकिन अ लेटर के साथ इज हो जाएगा, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी. अब देखिए परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, आई हैव आ जाता है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपको पता चल रहा है आई पहले दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्टिव टेंस. अब एक्टिव सेंटेंस को कैसे ऑब्जेक्ट में करेंगे, अ लेटर पहले आ जाएगा, इसमें ऑलरेडी हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, हैज़ हैव लगता है, अ लेटर है सिंगुलर तो हमने हैज़ लगा दिया. ध्यान रखना है हैज़ हैव के साथ पैसिव सेंटेंस में हम बीन लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, ठीक है, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय मी. हैव आई रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, हैज़ अ लेटर बीन आ जाएगा रिटन बाय मी, ठीक है. ये हमारा प्रेजेंट टेंस था. पास्ट टेंस देखते हैं, सिंपल पास्ट में क्या होता है, आई रोट अ लेटर. अब देखिए आई पहले दे रखे है, दैट्स मीन एक्टिव टेंस है. अब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर रोट आ गया है, रोट मीन्स सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म कहाँ लगती है, पास्ट टेंस में, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा कि हमारे पास पास्ट टेंस दे रखा है, पास्ट टेंस में इज एम आर नहीं लगता, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वॉज वर्ब. तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज सिंगुलर है, वॉज वी थ्री आ जाएगा रिटन बाय मी, ठीक है. अब दे रखा है आई डिड नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस इसका दे दिया, तो हम कैसे चेंज करेंगे, अ लेटर, मैंने आपको पहले भी बताया था डू और डिड जो है वो प्रेजेंट टेंस शो करते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट है तो क्या यूज करना है, वॉज वर. अ लेटर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज नॉट, वी थ्री आ जाएगा रिटन बाय मी, ठीक है. Did I write a letter? Passive हो जाएगा, did की जगह was लग जाएगा. Was a letter written by me? ध्यान रखना है बस आपको V3 लगाना है और helping verb change करना, that's it. Continuous देखिए, past continuous, I was writing a letter. Active है, I दे रखा है पहले, passive में change करेंगे तो object आ जाएगा, a letter. वॉज दे रखा है ऑलरेडी तो हम वॉज लगा देंगे. राइटिंग कर रखा है कॉन्टिन्यूस, राइटिंग में कॉन्टिन्यूटी में ध्यान रखना है हमें बींग लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, वॉज बींग राइटिंग की जगह वी थ्री रिटन बाय मी. आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या बन जाएगा, अ लेटर वॉज नॉट बींग रिटन बाय मी. ध्यान रखना है आपको आई एन जी की जगह बींग लगा देना है और वी थ्री लग जाएगा, ठीक है. वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज अ लेटर बींग रिटन बाय मी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है. अब परफेक्ट टेंस में देखिए, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर दे रखा है, आई दे रखा है तो सब्जेक्ट दे रखा है तो एक्टिव टेंस हो गया. पैसिव में करेंगे अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हैड दे रखे तो हम यहाँ पे हैड लगा देंगे, और परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा देते हैं, ठीक है. अ लेटर हैड बीन रिटन का थर्ड फॉर्म रिटन आ जाएगा बाय मी, ठीक है. I had not written a letter, क्या बन जाएगा, letter had आ जाएगा, not फिर written V3 दे रखे तो been लगा दिया, written by me. Had I written a letter, had as it is आ जाएगा, a letter been written by me, ठीक है. तो ये हमारा past tense था. अब देखिए future tense, future tense में हम क्या होता है, I shall write a letter, subject दे रखा है तो ये हमारा active tense हो गया. इसको passive में कैसे change करेंगे, देखिए
क्या हो जाएगा? अ लेटर. विल और शेल लगता है. आई और वी के साथ फ्यूचर में हम शेल लगाते हैं, बाकी सब जगह विल लगता है. तो अ लेटर की जगह अ लेटर के साथ क्या लग जाएगा? विल. तो ध्यान रखना है, अगर हमारा सिंपल फ्यूचर होता है तो उसमें हम विल के साथ वी वन लगाते हैं. यहाँ पर भी अगर हम विल शेल लगाएंगे तो ये रूल है कि उसके साथ वी वन ही आता है, लेकिन पैसिव सेंटेंस में हम वी थ्री यूज़ करते हैं, राइट? तो हम कैसे विल के साथ वी थ्री लगा देंगे? तो उसके लिए हमें विल के साथ वी वन लगाना होता है. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रूल के अकॉर्डिंग अ लेटर विल के साथ हमने बी लगा दिया. बी वॉज बीन, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो विल के साथ बी लगा दिया और यहाँ पर वी थ्री हो जाएगा. गॉट इट? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इस चीज को. अ लेटर विल बी रिटन बाय मी. देखिए, आई शेल नॉट राइट अ लेटर, एक्टिव सेंटेंस दे रखी है, ठीक है? तो पैसे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर शेल की जगह विल आ जाएगा. नॉट बी लगाना है क्योंकि विल के साथ वी वन लगता है. विल नॉट बी, राइट की जगह वी थ्री आ जाएगा. रिटर्न बाय मी, आई शेल हैव रिटर्न अ लेटर. अ लेटर विल हैव बीन रिटर्न बाय मी, ठीक है? अब पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, आई शेल हैव रिटर्न अ लेटर, ठीक है? क्या हो जाएगा, एक्टिव दे रखे, सब्जेक्ट है तो एक्टिव ही है. इसका हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर शेल की जगह विल आ जाएगा. विल हैव, विल हैव के बाद हम परफेक्ट टेंस में बीन लगाते हैं, तो यहाँ पे भी बीन आ जाएगा. अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी. आई शेल नॉट हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी. शेल आई हैव रिटन अ लेटर, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है? एंड स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर मैंने आपको आफ्टर सिंपल फ्यूचर, मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं कराया. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन टेंसेस के पैसिव सेंटेंस नहीं बनते हैं, ठीक है? अब देखिए, मॉडल्स हमारे पास थे, हमने अभी किए थे लास्ट वीडियो में, हमने मॉडल्स किए हैं, कैन, कुड, माइट, शुड, हा, ये सारी चीज़ें की थी. तो इन सब के साथ भी, इनको भी हमें, ये एक्टिव सेंटेंस होते हैं, इनको पैसिव में चेंज करना होता है. तो कैसे करेंगे, जब भी हम मॉडल्स को एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें मॉडल के साथ बी लगा देना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जो मॉडल है उनमें हमेशा मॉडल्स के साथ वी वन लगता है. तो लाइक मे, माइट, कैन, कुड, शुड, डेयर, नीड, इन सब के साथ टू लगता है, सॉरी, इन सब के साथ वी वन लगता है. बट अब हमें पैसिव में हमारा रूल है कि हमें वी थ्री लगाना है. तो हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे ये देखिए, आई शुड राइट अ लेटर. आई सब्जेक्ट दे रखा है आपका, शुड मॉडल दे रखा है, वी वन दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है. पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है? शुड यहाँ पे आ जाएगा. अब ध्यान रखना, शुड के साथ वी वन लगाना होता है तो हम बी लगा देंगे, ठीक है? अ लेटर शुड बी, और उसके बाद वी थ्री आ जाएगा, रिटन बाय मी. आई कैन क्रॉस द रिवर, तो क्या हो जाएगा, द रिवर कैन बी क्रॉस्ड बाय मी, ठीक है? अब सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स. किसी सेंटेंस में आप देखोगे आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर हम कैसे चेंज करते हैं. देखिए ये सेंटेंस, जैसे आई सेंट हिम अ ब्रेसलेट. आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेंट हमारा वर्ब हो गया. आई सेंट हिम, ये भी ऑब्जेक्ट है. अ ब्रेसलेट, ये भी ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया. अब इसको भी हमारे पास दो तरीके होते हैं बनाने के. देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ ये लास्ट वाला उठाएं तो इससे ये हो सकता है अ ब्रेसलेट सेंट. वी टू दे रखा है तो इसका मतलब पास्ट है, तो हमें पास्ट में वॉज या वर्ड लगाना है. अ ब्रेसलेट सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया. अ ब्रेसलेट वॉज सेंट टू हिम. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन जो है उसके साथ हमने टू हिम बाय मी, ठीक है? और कैसे बन सकता है, अगर हम ऑब्जेक्ट वन को लेकर आए आगे, तो बन जाएगा ही वॉज सेंट अ ब्रेसलेट बाय मी, ठीक है? दोनों तरीके से सही है, कैसे भी आप बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, आई शेल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई शेल टेल के बाद यू भी एक आपका ऑब्जेक्टिव है और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपका ऑब्जेक्टिव है. दो तरीके से बन सकता है. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विल बी टोल्ड टू यू बाय मी, या फिर यू विल बी टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय मी, ठीक है? बोथ आर करेक्ट. अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आपके. देखिए, हु टीच्स यू हिंदी. हु आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, टीच वी वन आ गया, आपका यू ऑब्जेक्ट, हिंदी ऑब्जेक्ट. अब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन वाले में, जैसे आगे ये क्वेश्चन वर्ड है, आपका क्वेश्चन वर्ड आगे रहेगा, हु जो है हमेशा बाय हुम में चेंज हो जाता है. तो हमने यहाँ पे बाय हुम लगा दिया.
ठीक है। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं। अब इसमें यू दे रखा है आपका ऑब्जेक्ट, आप यू के साथ क्या लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट में? टीच दे रखा है, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। तो अब सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, तो यू के साथ क्या लगता है हमारा? आर। तो इसलिए हम आर को आगे ले गए, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। ध्यान रखना ये आप सबको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना है, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाय हुम आर यू टॉट हिंदी? ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय हुम इज हिंदी टॉट टू यू? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु विल बेल द कैट? हु विल चेंज इन टू बाय हुम? विल आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो आपने विल लगा दिया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका द बेल आ गया, बेल भी आ गया, कैट भी आ गया, तो हम कैट से बनाएं तो क्या हो जाएगा? बाय हुम विल द कैट, विल के साथ बी लगाना है, बी बेल्ड, बी की थर्ड, बेल की थर्ड फॉर्म बेल्ड, राइट? हुम डिड यू सी देयर? हु विल चेंज इन टू बाय हुम एंड हुम चेंज इन टू हु, तो क्या हो जाएगा? हुम की जगह हु आ गया, डिड पास्ट टेंस होता है वॉज वर्ब में से। आप देखिए सिंगुलर यू के साथ तो हम वर्ब नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वॉज, हु वॉज, वी थ्री क्या है? सी की, वर्ब की जगह क्या हो जाएगा? सीन, हु वॉज सीन देयर बाय यू? गेटिंग माई पॉइंट? विच स्पिरिट, विच शर्ट डू यू लाइक? तो विच का एज इट इज रहेगा, क्या हो जाएगा? विच शर्ट आपका एज इट इज रह जाएगा। Do you like? Do will change into I, तो क्या हो जाएगा? Which shirt is liked by you? समझ रहे हैं? Who change into by whom and by whom change into who? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी आपके who, when, where, which ये सब as it is रहते हैं। बस अगर उसके साथ आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है तो वो पहले आएगा, हेल्पिंग वो पहले आएगा ऑब्जेक्ट से, और आपका V3 आ जाएगा। ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे चेंज बनाते हैं? जैसे देखिए एग्जांपल, पोस्ट दिस लेटर, कमांड वाले सेंटेंस होते हैं, या ऑर्डर वाले, या एडवाइस वाले, रिक्वेस्ट वाले, इनको हम कैसे चेंज करते हैं? लेट लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? लेट, लेट के बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर वी थ्री। अब देखिए पोस्ट दिस लेटर, तो क्या हो जाएगा? लेट दिस लेटर, ये हमारा यहाँ पे हमने इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये जो हमारा, ये तो वी वन है। ठीक है, वी वन के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? लेट दिस लेटर, उसके बाद हमने बी लगा दिया, और पोस्ट का वी थ्री हो जाएगा पोस्टेड। ठीक है, और हम इसको क्या बना सकते हैं? अगर हम किसी को ऑर्डर या एडवाइस कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे प्लीज ओपन द डोर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, प्लीज कम दे रखा है, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, ये आप अपनी तरफ से लिख देंगे, फिर उसके बाद आप टू लगा देंगे। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, किस चीज की एडवाइस, रिक्वेस्ट की जा रही है? ओपन द डोर, तो क्या लिख देंगे? टू ओपन द डोर। ठीक है, गेट आउट ऑफ माई साइट, अब आपको लग ही रहा है ये एक ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑर्डर दे रखे है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद आप क्या लिख देंगे? टू। ध्यान रखना है यू आर के बाद वी थ्री लगाएंगे, उसमें हमने रिक्वेस्टेड किया था, यहाँ पे हम ऑर्डर्ड करेंगे। ठीक है, सो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद एज इट इज लगा देंगे, गेट आउट ऑफ माई साइट, कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट में ही रहना, मतलब किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड टू कीप टू द लेफ्ट। तो ये आप अपने आप से जज करते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस या ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, तो आप लेट लगा के जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे लगा के बी लगा के वी थ्री लगा सकते हो, या फिर अगर रिक्वेस्ट ऑर्डर कमांड दे रखे है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर कमांडेड, इस तरह से टू लगा के सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।